वेलकम डियर स्टूडेंट, मयूर नोबल अकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। मैं अमृत लखारा, फिजिक्स टीचर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है लंबी दूरियों का मापन। पिछले टॉपिक के अंदर अपन त्रुटि के बारे में पढ़ा और उससे संबंधित बुक के क्वेश्चन और बुक के अलावा भी अदर क्वेश्चन जो हैं वो हमने किए। अब क्वेश्चन चाहे आप जितने भी करो, यदि आपको बेसिक पता है, आपको कंसेप्ट पता है, आपको पता है सिद्धांत इसका क्या है, इसको किस प्रकार करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको कंसेप्ट भी समझ में नहीं आया या आपको सिद्धांत ही नहीं पता या आप उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हो, तो उस क्वेश्चन को चाहे कितना भी लंबा किया जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब आज का जो टॉपिक है वो है अपने पास लंबी दूरियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। लंबी दूरियों का मापन कैसे किया जाता है? यहां पर लंबी दूरी का मतलब ये नहीं है कि बाड़मेर से जोधपुर कितना है या जम्मू से कन्याकुमारी कितनी है। यहां पर लंबी दूरी का मापन ये है कि अर्थ से किसी सैटेलाइट या अर्थ से किसी प्लेनेट के बीच की दूरी कितनी है, इसका मतलब ये होता है लंबी दूरी का मापन। मतलब अब इस टॉपिक के अंदर अपन क्या करने वाले हैं कि अर्थ से प्लेनेट या अर्थ से सैटेलाइट कितनी दूरी पर है, या अर्थ से सन, अर्थ से मून, या अर्थ से तारे या जो स्टार है वो कितनी दूरी पर होते हैं, उनकी दूरियों का मापन जिस प्रकार किया जाता है वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, उसी को हम बोलेंगे लंबी दूरियों का मापन। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई होगी, तो यहाँ पर लंबी दूरी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब लंबी दूरी का मापन करने के लिए हम एक चीज कहां मिलेंगे, उसको बोलते हैं लंबन विधि। लंबन विधि, अभी लंबन विधि क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलेक्स मेथड। पैरेलेक्स मेथड, तो पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि पैरेलेक्स किसे कहेंगे या लंबन किसे कहेंगे। आप किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो आंखों का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप किसी भी वस्तु को एक आंख से देखो तो उस वस्तु की स्थिति में हल्का सा चेंज आएगा। कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई एक पेन है, इस पेन को आप दोनों आंखों से देखो और ये देखिए कि वो पेन दीवार के या वॉल के किस पोजिशन पर है। उसके बाद क्या करना कि किसी एक आंख को बंद करके दूसरी आंख से देखो उस पेन को। उसके बाद जिस आंख को पहले बंद किया है उस आंख को खोलकर, जिस आंख को आपने पहले खोला है उसको बंद करके देखो, तो आप देखो कि जो पेन है वो हल्का सा शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट या राइट, हल्का सा अपनी पोजीशन के अंदर चेंज करेगा। पहले लेफ्ट था तो राइट, राइट है तो लेफ्ट आएगा। यहाँ पर ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ, जबकि आपने अपने हाथ को या पेन की पोजिशन को हिलाया नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी एक आंख से एक पेन को देखोगे और उसके बाद जिस आंख को आपने पहले खोला उस आंख को बंद करके दूसरी आंख को आप खोल के देखोगे, तो उस पेन में हल्का सा शिफ्टिंग आती है। उस शिफ्टिंग को बोलते हैं लंबन, या क्या बोलेंगे इसको, पैरेलेक्स। और इस मेथड का यूज करके अपन क्या करेंगे, लंबी दूरी का मापन करेंगे। तो अपने पास इसमें पृथ्वी से किसी उपग्रह की दूरी ज्ञात करना, पृथ्वी से किसी उपग्रह की दूरी ज्ञात करना। तो ये अपने पास अर्थ, ये अपनी पृथ्वी, ठीक है। इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी से डी डिस्टेंस पर कोई एक सैटेलाइट या कोई एक उपग्रह है अपने पास, जिसको अपने नाम दिया एस। ये डिस्टेंस कितनी है, ये है डी, जो कि हमें ज्ञात करनी है। अभी हमने माना कि कितनी है, डी है, जो कि हमें ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद हमने क्या किया, इस पृथ्वी पर दो प्रयोगशालाएं, वैदिक प्रयोगशालाएं, ऑब्जर्वेटरीज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, दो वैदिक प्रयोगशाला ए और बी। वैदिक प्रयोगशाला है क्या कि जहां पर टेलीस्कोप लगे होते हैं। टेलीस्कोप क्या होता है कि कोई भी दूर ऑब्जेक्ट होता है उसको देखने के लिए जो अपन प्रकाशिक उपकरण को काम में लेते हैं उसको बोलते हैं टेलीस्कोप या दूरदर्शी।
दूरदर्शी। तो हमारे पास दो वेद प्रयोगशाला है और इन दोनों वेद प्रयोगशाला में क्या लगी हुई है, एक दूरदर्शी लगी हुई है, टेलीस्कोप लगा हुआ है यहाँ पर। और इस टेलीस्कोप से जब हम इस उपग्रह को देखेंगे तो उपग्रह की जो दिशा है वो कुछ ऐसी बनेगी, ये जो एस है वो है देखने की दिशा, ठीक है। अब जब आप बी वेदशाला में रखे दूरदर्शी से इस उपग्रह को देखोगे तो उसकी कुछ दिशा ये बन जाएगी, ये। इन दोनों टेलीस्कोप के द्वारा इस उपग्रह पर कोई एक कोण बनेगा, उस कोण को नाम दे दिया अपने थीटा, जो कि अपन ज्ञात कर लेंगे अन्य उपकरणों की सहायता से। वो हमारे पास विधि है, उस विधि से अपन इसको ज्ञात कर लेंगे। सिलेबस में ये नहीं कि थीटा ज्ञात करना, सिलेबस में क्या है अपना, डी ज्ञात करना। तो थीटा किसी न किसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इस दो वेदशालाओं के बीच की जो डिस्टेंस है, ये इसको ले लिया मैंने एक स्मॉल डी, और ये आपकी पृथ्वी थी यहाँ पर स्मॉल डी। अब सर ये दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? अरे एक प्रयोगशाला, एक मान लीजिए जोधपुर में, एक चेन्नई में, तो जोधपुर से चेन्नई की सीधी दूरी कितनी ज्ञात नहीं है क्या? ज्ञात है हमारे पास। तो ये कोई बड़ा एक मसला नहीं है कि डी कैसे ज्ञात किया जाए, मसला ये कि ये डी कैपिटल कैसे ज्ञात किया जाए। तो हमें ये ज्ञात करना, तो फोकस हमारा इसके ऊपर होगा। अब ये हालांकि दूरियाँ बहुत दूर होती है, तो ये जो एंगल है ये थीटा, ये बहुत ही अल्प होता है, बहुत ही अल्प। थीटा यहाँ पर क्या होता है? बहुत ही अल्प होता है। सर अल्प क्यों होता है? क्योंकि जो आपका डी है वो बहुत ज़्यादा है स्मॉल डी की तुलना में। सर कैसे? ये देखो, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये आपकी आई है, तो आई से आप कैसे देखोगे? तो आई से इस ऑब्जेक्ट पर जो कोण बनेगा, या इस ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर जो कोण बनेगा उसको बोल दो अल्फा। अब इस ऑब्जेक्ट को आप आई के पास में लेके जाओ, जो ऑब्जेक्ट को पास में लेके जाओगे तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो वही की हुई रहेगी, वस्तु की हाइट वही की हुई रहेगी। अब देखो उसने एंगल कितना बनाया आँख के ऊपर, आँख यहाँ पर आपकी, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट उतनी हाइट का है और वो और पास में आ गया और उसने एंगल कितना बनाया वो देखो। तो आप देखो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आँख के पास आएगा, आँख पर बनने वाला जो दर्शन कोण है वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये कि हम ये भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा आँख पर जो एंगल बनेगा वो एंगल उतना ही छोटा होगा। तो वही हम कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा एंगल उतना ही क्या बनेगा, कम बनेगा। तो ये कम बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मैं ये कह सकता हूं कि ए बी को एक वृत्त का चाप मान सकता हूं, ए बी को, यदि ए बी को मैं वृत्त का चाप मानूंगा और इस चाप से क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा, उस वृत्त का सेंटर पॉइंट क्या होगा, एस होगा, और एस ए या एस बी उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हो जाएगी। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि एस ए इजिकल टू एस बी फिजिकल टू त्रिज्या हो जाएगी, और ये त्रिज्या जो है वो डी कैपिटल के बराबर होगी लगभग, क्योंकि ये अपने पास वर्त बहुत बड़ा है। तो इसके कारण मैं कह सकता हूँ कि ऐसे बराबर एस बी इजिकल टू ये डी कैपिटल। अब हमें एक संबंध आता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। चाप कितना अपने पास? सर चाप की लंबाई ये ए बी, ये ए बी। त्रिज्या कितनी अपने पास? त्रिज्या सर ऐसे है, ऐसे। कोण कितना है? थीटा है। ए बी कितना है? स्मॉल डी है। ऐसे कितना? डी कैपिटल है। तो डी कैपिटल बराबर स्मॉल डी बटा थीटा। तो डी हमें पता है, थीटा हमें यहाँ पर पता है, वैल्यू पुट करके डी कैपिटल ज्ञात किया जाता है। तो एक बार भाषा सुनना, पृथ्वी पर स्मॉल डी डिस्टेंस पर दो वेदशाला ए और बी हैं। जिस उपग्रह की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करनी है वो उपग्रह एस पृथ्वी से डी कैपिटल दूरी पर स्थित है, जो कि हमें ज्ञात करना है यहां पर। इन दोनों वेदशालाओं में रखी दूरदर्शी से इस उपग्रह को देखा जाता है, और उपग्रह को देखने की दिशा के साथ उपग्रह के ऊपर जितना एंगल बनता है उसको बोलेंगे थीटा। इस थीटा को कहा जाता है लंबन कोण, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल या पैरालैक्टिक एंगल यहां पर। और वो कैसे ज्ञात करेंगे? वो इसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अभी
इसी लंबन विधि का उपयोग कर कर हम किसी भी उपग्रह का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो टॉपिक आ गया अपने पास उपग्रह का व्यास ज्ञात करना लंबन विधि की सहायता से। उपग्रह अपने पास मान लीजिए कोई एक सूर्य है, चंद्रमा है, इन सब का व्यास हमें पता है, इनका व्यास कैसे ज्ञात कर। ये तो है नहीं कि फीता या इंची टेप लेकर ऊपर गए और वहां से नाप के देखा कि हाँ भाई इसका व्यास तो इतना, इसकी त्रिज्या इतनी, या सन की दूरी कितनी है अर्थ से, या चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है। तो कोई फीता वीता काम में नहीं लिया था, यही लंबन विधि काम मिली थी और इसी लंबन विधि की सहायता से ये दूरी हमें ज्ञात की थी। तो अपने पास कोई भी उपग्रह है वो कुछ ऐसा होगा, इसका व्यास हमारे पास ये ए बिंदु और ये बी बिंदु। ए और बी क्या है, व्यास्त अभिमुख बिंदु है, व्यास्त अभिमुख बिंदु है ए बिंदु ये और बी बिंदु ये। पृथ्वी कहाँ पर हमारी, पृथ्वी यहाँ पर है, ये यहाँ पर हमारे पास एक वैद्यशाला है सी और ये आपकी है पृथ्वी। इस वैद्यशाला में रखी दूरदर्शी से बी को देखा जाता, तो बी को देखने की दिशा ये, और उसी वैद्यशाला से आपको ए से देखना है। मतलब उस वैद्यशाला से आपको व्यास के दोनों बिंदु को देखना ए और बी, और ए और बी दोनों बिंदु इस वैद्यशाला पर कितना कोण बनाएगा, वो कोण होगा अल्फा। ये दूरी कितनी है सर, ये दूरी अपने पास है डी। ये कितनी है सर, ये है अपने पास स्मॉल डी, जो कि हमें ज्ञात करनी है स्मॉल डी। तो ये हो जाएगा उपग्रह का व्यास जो कि ज्ञात करना है। डी कैपिटल हो जाएगा अपने पास उपग्रह की पृथ्वी से औसत दूरी, और अल्फा हो जाएगा उपग्रह के व्यास्त अभिमुख बिंदुओं द्वारा पृथ्वी पर स्थित बिंदु सी पर बनने वाला कोण। ठीक है, अब वापस वही चीज काम में करेंगे अपन। क्या सर, कोण बराबर क्या होता है सर, वो होता है चाप बटा त्रिज्या। ये चीजें बहुत दूर होती है, बहुत दूर होती है तो अल्फा बहुत ही स्मॉल होगा, और ये अपने आप एक यूज अमाउंट, एक बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर होती है। कोण कितना है अल्फा, चाप कितना है डी, त्रिज्या यहाँ पर कितनी है अपने पास डी कैपिटल। तो हमें तो यहाँ पर स्मॉल डी ज्ञात करना, स्मॉल डी बराबर अल्फा गुना डी। बस अल्फा हमें ज्ञात होगा, डी हमें ज्ञात होगा। सर डी कैसे ज्ञात करेगा, अभी अपने ज्ञात किया लंबन विधि से, उसे डी अपन ज्ञात कर लेंगे। अल्फा हमें पता है कितना एंगल बन रहा है, उपकरण हमारे पास खूब पड़े तो वहां से अल्फा और डी का मल्टीप्लाई करके अपन स्मॉल डी ज्ञात कर लेंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, इससे पिछले टॉपिक में जो अपने पढ़ा है कि दूरी ज्ञात करना, किसी उपग्रह की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करना या उपग्रह का व्यास ज्ञात करना, इसमें जो अल्फा और थीटा जो कोण होते हैं, अल्फा व थीटा जो कोण होते हैं, इसको रेडियन में लेना है। किसमें, रेडियन में। तो रेडियन कोण क्या, पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, इस एंगल में आपको लेना है, या पाई बाई सिक्स, या पाई बाई ट्वेल्व, पाई बाई एटीन, मतलब पाई की कोण में, पाई के एंगल में लेना है, उसको बोलते हैं रेडियन। एक तो होता है डिग्री और एक होता है रेडियन, रेडियन मतलब पाई रेडियन, या टू पाई, या थ्री पाई बाई बाई सिक्सटीन, ये बोलते हैं अपन रेडियन में एंगल। और डिग्री में लिखेंगे ये टू डिग्री, 180 डिग्री, इसको बोलते हैं डिग्री में एंगल अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया उपग्रह का व्यास ज्ञात करना। तो आज के इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, लंबी दूरी का मापन। तो कोई उपग्रह पृथ्वी से कितना दूर है, दूरी बहुत लंबी है, उसको अपन लंबन विधि से ज्ञात करेंगे, या किसी उपग्रह का व्यास ज्ञात करना, उपग्रह अपने आप में बहुत बड़ी दूरी होती है, उपग्रह अपने आप में बहुत बड़ा साइज का होता है, उसका व्यास भी काफी बड़ा होगा, उसका व्यास ज्ञात करने के लिए भी अपन लंबन विधि काम में लेते हैं। तो आज के इस टॉपिक में केवल इतना ही, कल अपन दूरियों से संबंधित कुछ और परिभाषाएं पढ़ेगी, जैसे पार्सेक है ना, इस बारे में फर्मी क्या होती है, एंगस्ट्रॉम क्या होती है, ये सब अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद, आज की क्लास में।